एवरीवन, वेलकम टू फन विद मैथ। एम रजिंदर कौर। हाँ जी, आप जनरल साइंस कवर कर रहे हैं फॉर द ITT सेकेंड पेपर एंड वार्ड अटेंडेंट पेपर। कल अपना पोटेंशियल डिफरेंस तक अपने कवर कर लिया सी। जो अज का अपना टॉपिक कवर करांगे वो है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है जी, देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी की होंगी है। स्टार्ट करते हैं जी क्लास। इलेक्ट्रिसिटी की होंगी है द फ्लो ऑफ चार्ज इन अ सर्किट कैरिंग एनर्जी फ्रॉम पावर सप्लाई टू द डिफरेंट इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। कल आप पढ़िया कि इलेक्ट्रिक चार्ज की होंदा। पढ़िया सी कि किसी भी मैटर नूं जदों आपां इलैक्ट्रो मैगनैटिक फील्ड विच इलैक्ट्रोस्टैटिक फ्री इलैक्ट्रिक फील्ड विच रखते हाँ तो उत्थे जिहड़ा उह फोर्स एक्सपीरियंस करदा उहनूं आपां चार्ज का नाम दित्ता सी। सैकेंडली आपां डिस्कस करिया सी कि इलैक्ट्रिक करंट की होंदा। इलेक्ट्रिक करंट मैंने कहा सी फ्लो ऑफ चार्ज में ही आप इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। नैक्सट इलेक्ट्रिसिटी की होंदा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। अगर किसी कंडक्टर दे विच दी किसी सर्किट विच दी इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहे हैं एंड एप्लीएंसेस वर्क कर रहे हैं, डिवाइस चल रहे हैं, तो आप बोलते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। ठीक है जी। हाँ जी, किसी भी क्लोज्ड सर्किट दे विच क्लोज्ड पाथ दे विच जो करंट फ्लो होंदा उन्हों आप इलेक्ट्रिसिटी बोल दिंदे हैं। ठीक है, सिमिलरली जो आप अपने घर जिन्हें भी डिवाइस यूज़ करते हैं, फैनस ने, ट्यूबलाइट्स ने, फ्रीजर ने, ठीक है, वॉशिंग मशीनस ने, जिन्हें भी एप्लीएंसेस इलेक्ट्रिसिटी ते चलते हैं, सारे कि वर्क करते हैं, जो आप स्विच ऑन कर दें तो डिवाइस वर्क करना स्टार्ट कर देता, जो आप स्विच ऑफ कर दें तो उस टाइम की होंगे डिवाइस स्टॉप कर देता अपनी वर्किंग। ठीक है, फंडा की है इस पिछे, जो आप स्विच ऑन करते हैं तो जिहड़ा भी अपने सर्किट बनया हुंदा स्विच तो लैके उस डिवाइस तक तो वह सर्किट क्लोज हो जाता एंड उस विच एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना शुरू हो जाता जिहदे करके अपना एप्लीएंस डिवाइस वर्क करना शुरू कर दिंदा। जो आप स्विच नू ऑफ कर दें तो सर्किट की हो जाता ओपन हो जाता। ओपन होने के नाल की होंगे वह करंट फ्लो नहीं होगा क्योंकि जो सर्किट ही ओपन नहीं तो करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, करंट फ्लो नहीं होगा तो अपना डिवाइस भी वर्क नहीं करेगा। इज इट क्लीयर अबाउट द इलैक्ट्रिसिटी। ठीक है, नैक्सट है अपने को एम मीटर की होंगे। इट मेजर द इलैक्ट्रिक करंट। एम मीटर नाल आप इलैक्ट्रिक करंट नू मेजर करते हैं किसी भी सर्किट के जो आप एम मीटर ला दें तो वह काम की होंगे इलैक्ट्रिक करंट नू मेजर करने का। ठीक है, इट इज़ ऑलवेज कनैक्टड इन सीरीज़। जो भी आप कोई भी सर्किट तैयार करते हैं, कोई भी सर्किट लगाने तो उस दे विच आप जो एम मीटर लगाने वो आप केड़ी सीरीज़ दे विच लगाने सीरीज़ कंबीनेशन दे विच आप एम मीटर नू लगाने। ठीक है जी, दो पढ़ांगे आप कंबीनेशन, एक सीरीज़ कंबीनेशन, एक पैरेलल कंबीनेशन। ठीक है, तो ध्यान रखना जो एम मीटर है करंट नू मेजर करता गा उन्हूं आप कितना लगाने सीरीज़ कंबीनेशन। ठीक है, हाँ जी, नैक्सट कुछ फिगर्स देखांगे आप, कुछ सर्किट्स देखांगे जिहदे विच बल्ब इलैक्ट्रिक बल्ब लगावांगे, सर्किट बनाने भी सीखांगे, जिहदे विच आप बल्ब लगावांगे, एम मीटर लावांगे, प्लग की लगावांगे, कुछ स्विच, ठीक है, प्लग की स्विच लगावांगे एंड वायरस नाल इलैक्ट्रिक डायग्राम्स आप देखांगे। ठीक है, नैक्सट है द करंट इलैक्ट्रिक करंट फ्लोज इन अ सर्किट फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नैगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल थ्रू द बल्ब एंड एम मीटर वेयर इज इलैक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम नैगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। यह बहुत ही ध्यान रखने वाली गल है कि जो भी आप कोई सर्किट बनाने तो उस जो करंट फ्लो करता है, उस जो करंट फ्लो करता वो डायरेक्शन की होंगी है, वह पॉजिटिव टर्मिनल टू नैगेटिव टर्मिनल फ्लो करता। ठीक है जी, दोबारा रिपीट करते हैं, जो इलैक्ट्रिक करंट है वह किसी भी सर्किट के इलैक्ट्रिक करंट किसी भी सर्किट के पॉजिटिव टर्मिनल तो नैगेटिव टर्मिनल वल फ्लो करता गा। ठीक है, दी डायरेक्शन की होंगी है करंट की पॉजिटिव टू नैगेटिव, वेयर एज बट जो इलैक्ट्रॉन की फ्लो है, जो इलैक्ट्रॉन की फ्लो करन की जो डायरेक्शन है वह इस ओपोजिट होंगी है। ओपोजिट मीनस इलैक्ट्रॉन्स कितना फ्लो करते हैं, वह नैगेटिव टू पॉजिटिव जाते हैं। ठीक है जी, इलैक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन की होंगी है नैगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है जी, हाँ जी, नैक्सट है अपने को सर्किट।
दो वायर्स ले लें आप, दो वायर्स के नाल एक बैटरी अटैच कर देनी है, सैल अटैच कर सकते हो, ठीक है। बैटरी आप इस तरह शो करते हैं, कोई भी नाल एक की लगा देनी है, स्विच लगा देनी है। नेक्स्ट कोई बल्ब लगाओ जिदे नाल आपां नूं पता लगे कि अपना सर्किट जो आपां ने बनाया है उहदे विच करंट फ्लो हो रहा है ज नहीं हो रहा, ठीक है। बल्ब अगर बल्ब ग्लो करेगा सो इट मीनस दैट अपना करंट फ्लो हो रहा। अब करंट नूं डिटेक्ट करन नूं, ठीक है, डायरेक्शन फाइंड करन नूं, तां उत्थे आपां सीरीज़ कंबीनेशन दे विच एक एमीटर ला दिंदे हां, इस तरह अपना सर्किट बनता, ठीक है जी। तो आपां करंट फ्लो होण दी अगर डायरेक्शन देखिए तां इस साइड बैटरी का पॉजिटिव टर्मीनल है और इस साइड नैगेटिव टर्मीनल है। जो करंट फ्लो होएगा उसकी डायरेक्शन की होएगी, पॉजिटिव टू नैगेटिव ये डायरेक्शन होएगी, ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन की होएगी, नैगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है जी। आई होप थोने क्लीयर होया होना। नेक्स्ट है अपने कोल वोल्ट मीटर, नाम तो ही क्लीयर है, वोल्ट मीटर कादे लई यूज होएगा, वोल्टेज नू मेजर करन दे लई, ठीक। इट इज़ अ इंस्ट्रूमेंट, ये इदां दा डिवाइस हुंदा विच इज़ यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट्स, जिन्हों आपां यूज़ करदे हां पोटेंशियल डिफरेंस नू मेजर करन लई, मीनस वोल्टेज नू मेजर करन दे लई आपां वोल्ट मीटर यूज़ करदे हां, ठीक है। इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरलल अक्रॉस द पॉइंट्स बिटवीन विच द पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर। जदों भी आप सर्किट के एमीटर लगाना तो उन्होंने आप सीरीज कंबीनेशन लगाने हैं, जो भी आप वोल्ट मीटर लगाना सर्किट के आप कंबीनेशन लावे पैरलल कंबीनेशन, ठीक है जी। हाँ जी, वोल्ट मीटर देख सकते हो इस तरह का होंगे जिदे उत्ते वोल्टेज शो की जाती, मेजर की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है गैल्वेनोमीटर, इट इज़ यूज टू डिटेक्ट द करंट इन द सर्किट। किसी भी सर्किट के अपने डिटेक्ट करना करंट नूं कि करंट है या नहीं है, तो उत्थे आपां की यूज़ करते हैं गैल्वेनोमीटर, ठीक है, कि करंट है किसी सर्किट च या नहीं, तो उत्थे आपां किहड़ा डिवाइस यूज़ करते हैं गैल्वेनोमीटर। ध्यान से रखनी है एमीटर डायरेक्शन फाइंड करने लई करंट की डायरेक्शन की है, ठीक है, उहदे लई यूज़ करते हैं। डिटेक्ट करने लई करंट नूं वो उत्थे आपां की यूज़ करते हैं गैल्वेनोमीटर, ठीक है जी। और गैल्वेनोमीटर है जो ऑलवेज किद्दां कनेक्ट किया जाता सर्किट के सीरीज कंबीनेशन, ठीक है। ओनली वोल्टमीटर है जो वोल्टेज मेजर करन दे लई आपां पैरलल कंबीनेशन लगाने सर्किट च, ते एमीटर एंड गैल्वेनोमीटर नूं आपां सीरीज कंबीनेशन लगाने, ठीक है। हाँ जी, एमीटर एंड वोल्ट मीटर बाय गैल्वेनोमीटर, जिथे आप एमीटर एंड वोल्ट मीटर गैल्वेनोमीटर नाल किवें लगाने हैं, देखो जी ये वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर विच आप इस तरह लगाने हैं गैल्वेनोमीटर नू, एंड एमीटर च आप इस तरह लगाने हैं, ठीक। नेक्स्ट है अपने को ओम्स ला, ओम्स ला रिलेशन बिटवीन द करंट एंड पोटेंशियल एट कॉन्सटेंट टेंपरेचर, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड, ठीक है। ओम्स लॉ की कहता है कि जिन्ना पोटेंशियल आप किसी सर्किट को प्रोवाइड करते हैं उन्ना ही वह करंट फ्लो करेगा, ठीक है, जां जिन्ना करंट किसी कंडक्टर नूं दिता जांदा किसी सर्किट दे विच फ्लो करदा गा उन्ना ही उसका पोटेंशियल डिफरेंस हुंदा गा, ठीक है। सब दोनों की हुंदे ने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सो वोल्टेज की है पोटेंशियल डिफरेंस की हुंदा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुंदा आई दी, मीनस जिन्ना करंट वधाओगे उन्ना ही पोटेंशियल डिफरेंस वधूगा, अगर जिन्ना पोटेंशियल डिफरेंस वधाओगे तुसीं उन्ना ही थोड़ा करंट फ्लो करेगा, ठीक है, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इस तरह तुसीं समझ सकते हो, ठीक है जी। हाँ जी, सिंपली फॉर्मूले नूं देखिए तां आपां कह सी कि जो वोल्टेज है वो डायरैक्टली प्रोपोर्शनल है आई दे, ठीक। एक बार डेफिनेशन रीड करते हैं, ओम्स लॉ दे अकॉर्डिंग की है कि अगर टैंपरेचर कॉन्सटेंट है, टैंपरेचर कॉन्सटेंट है, अगर टैंपरेचर वेरी नहीं कर रहा तो ऑलवेज जिन्ना करंट फ्लो हो रहा है वह वोल्टेज से डायरैक्टली प्रपोर्शनल होंदा, ठीक है। सो आप प्रपोर्शनलिटी साइन नूं अगर हटाने तो आप इत्थे एक कॉन्सटेंट यूज़ करते हैं आर, आर आई आप की यूज़ किया इतने प्रपोर्शनलिटी कॉन्सटेंट है ये, इसनों आप इस तरह भी लिख सकते हैं वी इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। आर की है इतने रजिस्टेंस है जो पोटेंश कॉन्सटेंट है, क्लीयर है जी। नेक्स्ट अपने को एक ग्राफ है बिटवीन द वोल्टेज एंड
मीनस पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट के विचाले, ठीक है। इसको समझते हैं ग्राफ में, हाँ जी, एक्स एक्सिस से आप करंट को मेजर करांगे एंड वाई एक्सिस से आप पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करांगे वोल्टेज, ठीक है। मान के चलो तुसी वन वोल्ट है वोल्टेज है करंट, एंड करंट उतो फ्लो हो रहा है 20, ठीक है, 20 एम्पीयर। एंड अगे तुसी 2 वोल्टेज करती, ठीक है, तो इतने 30 जस्ट इमेजन, ठीक है, जस्ट अगर तुसी 3 वोल्टेज करते हो तो वह गैप इदा इदा ही इनक्रीज करता, मीनस जिनी तुसी वोल्टेज इनक्रीज कर रहे हो उन्ना ही की करेगा तुहाडा करंट भी इनक्रीज करेगा। सो इहदा ग्राफ की बनता है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है, ठीक है। इट मीनस दैट कि जिन्ना करंट इनक्रीज किया जाता उन्ना ही पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है, जिन्ना पोटेंशियल डिफरेंस तुसी वधाने हो उन्ना ही करंट बढ़ता है, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट है अपने को रेजिस्टेंस, जो आप प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्सटेंट की तरह यूज करते हो। रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन दैट अ सबस्टांस ऑफर्स टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। रेजिस्टेंस की होंदा, लेट करो ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, इस दे विच इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, मीनस इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। इस दे ओपोजिट जो एक फोर्स लगेगा जो इलेक्ट्रॉन दे करंट नू फ्लो करन तो रोकेगा, वो की है रेजिस्टेंस, ठीक है जी। रेजिस्टेंस की है, एक ओपोजिट इलेक्ट्रिक करंट नू फ्लो होने तो जो रोकता उन्हें ओपोज करता है, ठीक है, उन्हें आप बोलते हैं रेजिस्टेंस, जो इलेक्ट्रिक करंट नू फ्लो होने तो रोकता, ठीक है, वह फोर्स नू आप बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। एक ओपोजिशन है जिहड़ी करंट नू इलेक्ट्रिक करंट नू फ्लो होने तो किसी भी कंडक्टर दे विच फ्लो होने तो रोकता, ठीक है जी। और आप रेजिस्टेंस नू डिनोट करते हैं आर दे नाल, कैपिटल आर दे नाल। जो यूनिट है रेजिस्टेंस दी, वो की है ओम, ठीक है, ओम है। और इसनू आप इस तरह लिखते हैं ओम नू, ठीक है जी, इसकी यूनिट नू आप इस तरह राइट करते हैं। और इसका फॉर्मूला की है, हाँ जी, इस फॉर्मूले को समझते हैं, ठीक। जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंदा लेंथ दी, मीनस दैट कि जिन्नी तुसी लेंथ नू बधाओगे किसी तार दी, मन के चलो किसी वायर दी लंबाई नू तुसी जिन्ना बधाओगे, किसी वायर दी लेंथ नू तुसी जिन्ना ज़्यादा इनक्रीज करोगे उन्ना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, ठीक है, उन्ना ही रेजिस्टेंस इनक्रीज होगा। अगर तुसी लेंथ डिक्रीज कर रहे हो सिमिलरली रेजिस्टेंस भी की करेगा, डिक्रीज करेगा। सो रेजिस्टेंस की है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ दी, ठीक है। सेकंड टर्म है, जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंदा एरिया दे, ठीक है, जो रेजिस्टेंस है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंदा एरिया दे, मीनस दैट जिन्ना ज़्यादा वायर का एरिया होएगा, जिन्ना ज़्यादा एरिया होएगा, अगर तुसी इनक्रीज कर रहे हो एरिया नू, ठीक है, वायर के एरिया नू तुसी इनक्रीज कर दे हो, मन के चलो अगर तार तुहाडी मोटी है ज़्यादा, ठीक है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस उन्ना ही की होएगा, उहदे विच घट होएगा, ठीक है, डिक्रीज होएगा। अगर तुसी एरिया नू डिक्रीज कर दे हो तो रेजिस्टेंस से की इफेक्ट होएगा, ये इनक्रीज होएगा, ठीक है, ये ओपोजिट एक्शन करेगा, ठीक। सो आपने की करे कि जो रेजिस्टेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंदा लेंथ दे, एंड जो रेजिस्टेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंदा एरिया दे। सो कंक्लूड करके अपना फॉर्मूला की आ गया, एल अपॉन ए, ठीक है जी। अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी के साइन नू हटाइए तो इतने आप कॉन्सटेंट की यूज़ करांगे रो, ठीक है जी, इनू आप बोलते हैं रो, और रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं, ठीक है जी, ठीक है। हाँ जी, आई होप थोनू ये फॉर्मूला क्लीयर हो गया होना, ठीक है जी। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुंदा लेंथ दे, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुंदा एरिया दे। इत्थों ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन किदां आंदा एग्जाम दे विच कि अगर तुसी किसी वायर दे एरिए नू इनक्रीज कर रहे हो, 2 times इनक्रीज कर रहे हो, तो रेजिस्टेंस से की इफेक्ट होएगा। तो जो रेजिस्टेंस है वो भी, जो रेजिस्टेंस है वो भी 2 times की हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर तुसी इसनू डिक्रीज कर रहे हो तो रेजिस्टेंस से की इफेक्ट होएगा, रेजिस्टेंस इनक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अगर लेंथ नू लेके चली तो लेंथ नू क्वेश्चंस कितना पूछे जाते हैं कि लेंथ नू अगर तुसी हाफ कर रहे हो तो रेजिस्टेंस से की इफेक्ट होएगा, रेजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है।
हाँ जी। नेक्स्ट है रेजिस्टिविटी। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल दैट क्वांटिफाइज हाउ स्ट्रॉन्गली इट रेजिस्ट और कंडक्ट्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। रेजिस्टिविटी की डिफाइन करती है किसी भी कंडक्टर दे विच कि किन्नी किन मटीरियल दी किन्नी कैपेबिलिटी है, किन्नी एबिलिटी है करंट नू फ्लो करन दी। उसे नू ही की बोला जाता रेजिस्टिविटी कि किसी कंडक्टर दी किन्नी एबिलिटी है इलेक्ट्रिक करंट नू फ्लो करान दी। ठीक है, उसनू आपां रेजिस्टिविटी बोलते हैं। रेजिस्टिविटी दी जो यूनिट है, ऐसा यूनिट है, वो की हुंदी है ओम मीटर। ठीक है, ओम मीटर। ठीक है जी, इनू तुसी ड्राइव कर सकते हो। आपां देखिया सी कि जो इसका फॉर्मूला हुंदा रेजिस्टेंस दा, वो की हुंदा रो एल अपॉन ए। ठीक है, इत्थों आपां रो नू कढ लैने तां वो की बन जाएगा अपने कोले ए आर अपॉन एल। ठीक है, आपां नू इसकी यूनिट पता है की हुंदी है मीटर, और इसकी ओम। ठीक है, और इसकी मीटर। ठीक है जी, मीटर स्केयर मीटर कैंसल, सो की आ जाएगा ओम मीटर। क्लियर है जी। नेक्स्ट कुछ मटीरियल्स दिते हुए ने जिन्हों की रेजिस्टिविटी भी दिती हुई है, मैटल्स ने। ठीक है, जिन्होंने तुम पी डी एफ तुम्हें प्रोवाइड कर देंगे, तुम इन्हों याद कर सकते हो। सिमिलरली कुछ इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी है। नेक्स्ट अपना टॉपिक है, वो है कंडक्टिविटी। ठीक है, कंडक्टिविटी की होती है, कंडक्टिविटी ऑफ अ सबस्टांस इज डिफाइंड एज अ एबिलिटी और पावर टू कंडक्ट और ट्रांसमिट इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टिविटी की है हम डिफाइन आप डिफाइन करते हैं कि किसी सबस्टांस की किन्नी कैपेबिलिटी है, किन्नी एबिलिटी है कि उस दे विच दी इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके। ठीक है, उन्हों आप की बोलते हैं कंडक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, इस तो बाद यूनिट्स ने, यूनिट्स की होंदिया ने कंडक्टिविटी दियाँ साइमेंस पर मीटर। कंडक्टिविटी की यूनिट की है साइमेंस पर मीटर। ठीक है जी, जो बेस्ट कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है, वो की है अपना सिल्वर, तो इस तो बाद केड़ा है कॉपर। आप सिल्वर नू जनरली वायरस वगैरह ची यूज़ नहीं करते, क्यों? क्योंकि वह बहुत कॉस्टली है इसलिए। बट जो अजकल आप अपने वायरस के यूज़ करते हैं, वो कहदी बनी होंदिया ने कॉपर दियाँ। ठीक है जी, हाँ जी। नेक्स्ट है मटीरियल एंड स्पेसिफिक यूज। अगर आप गल करिए कि सब तो ज़्यादा जो हाई रेजिस्टिविटी होंगी है वो कि होंगी है हाई, अगर आप रेजिस्टिविटी की गल करिए कॉपर की होंगी है, एंड लो रेजिस्टिविटी की गल करिए लो रेजिस्टिविटी टंगस्टन की होंगी है। ठीक है जी, ड्यू टू हाई मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट यदा हाई होंदा तो यदि रेजिस्टिविटी की होंगी है लो होंगी है, इस करके ये यूज़ कदे किया जाता बल्ब च यूज़ किया जाता टंगस्टन। ठीक है जी, मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन का किन्ना है 3,38,000। ठीक है जी, नेक्स्ट है नाइक्रोम। नाइक्रोम इज़ एन अलॉय, नाइक्रोम अलॉय है एक। ठीक है जी, जो अपना हीटर वगैरह के जो वायर होंगी है, लाइक हीटर की इस तरह की वायर होंगी है, वह नाइक्रोम की बनी होंगी है। ठीक है जी, जो आप हीटर वगैरह के यूज़ करते हैं तो इलेक्ट्रिक गीजर के जो यूज़ किया जाता वो नाइक्रोम ही होंगे। ठीक है जी, तुसी डायग्राम च देख सकते हो जो ये वायर है ये नाइक्रोम की बनी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है टिन लेड अलॉय। ड्यू टू लो रेजिस्टिविटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट इट इज़ यूज एज अ फ्यूज वायर इन इलेक्ट्रिक सर्किट। जो लेड टिन लेड अलॉय है यदि रेजिस्टिविटी भी लो होंगी है, मेल्टिंग पॉइंट भी लो हों, इस करके फ्यूज वायरस यूज़ किया जाता है। ठीक है जी, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि जो टिन लेड अलॉय है वो रेजिस्टिविटी घट होंगी है। ठीक है, वो किस विच यूज़ किया जाता तो फ्यूज वायर के टिन लेड अलॉय यूज़ किया जाता। ठीक है जी, नेक्स्ट है कंबीनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। कंबीनेशन ऑफ रेजिस्टर्स सीरीज कंबीनेशन है। ठीक है, एक आप पैरेलल कंबीनेशन पढ़ांगे। किसी भी रेजिस्टर नू जदों आपां किसी सर्किट दे विच लगाने आ तां उह किस फॉर्म च लगाने आपां, सीरीज कंबीनेशन हुंदा एक पैरेलल कंबीनेशन हुंदा। सीरीज कंबीनेशन इस तरह लगाने आ कि एक लाइन दे विच ही सारे रेजिस्टर
ठीक है जी, आर वन आर टू एंड आर थ्री ये सीरीज कंबीनेशन है, और इस दे विच रेजिस्टेंस है जो टोटल रेजिस्टेंस होंदा है वो की होंदा एडअप हो जाता, ठीक है जी, टोटल रेजिस्टेंस की हो जाता गा एडअप हो जाता, ठीक है, इन सीरीज कंबीनेशन। बट इन पैरल कंबीनेशन दे विच की होंदा, पैरल कंबीनेशन विच वोल्टेज सेम रहती है एंड सीरीज कंबीनेशन दे विच करंट सेम रहता, ठीक है जी, तो इस दे विच की बनता गा जो रेजिस्टेंस होंदा हो टोटल वह डिवाइड हो जाता इस तरह, ठीक है जी, और इस तरह इस दे विच सर्किट दे विच हो लगाए जाते हैं पैरल कंबीनेशन च, क्लीयर है। अगला अपना टॉपिक है कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, ठीक है जी, कैपेसिटर की होंदा एंड कैपेसिटेंस की होंदा। कैपेसिटर एक डिवाइस है जो स्टोर करके रखता है चार्ज नू, ठीक है जी, कैपेसिटर एक डिवाइस है जो चार्ज नू स्टोर करके रखता। कैपेसिटर तुसी देखा भी होगा, अगर अपना फैन करदा फैन अगर खराब हो जाता तो मकैनिक नू बुलाने तो वह सब तो पहला आके उसका एक कैपेसिटर ही चैक करता, वो अपनी लैंग्वेज दे विच बोलता कि इसका कंडेंसर कंडेंसर खराब हो गया, ठीक है, कंडेंसर भी दूसरा नाम कैपेसिटर का ही है, ठीक है जी, कैपेसिटर नू कंडेंसर भी बोलया जाता, ठीक है। सो कैपेसिटर की है, एक डिवाइस है जो चार्ज नू स्टोर करके रखता। आप बोलते हैं जो भी आप कैपेसिटर बाजार मार्केट के लैन जाने तो आप बोलते हैं 1.12 माइक्रोफराड का मिल जाए, ठीक है, तो आप फिर कुछ रीडिंग्स बोलते हैं जो इसको कॉन्सटेंट करके रखते हैं, क्योंकि जिन्हें माइक्रोफराड का अपना कैपेसिटर अपने को है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, तो एक कॉन्सटेंट क्वांटिटी हो जाती है। सो एक कॉन्सटेंट जो है जिन्होंने आप चेंज नहीं कर सकते, जो कॉन्सटेंट ही आप यूज़ करते हैं कॉन्सटेंटली, उन्होंने ही की बोलिया जाता कैपेसिटेंस, ठीक है, क्लीयर। अ कैपेसिटर इज अ पैसिव टू टर्मिनल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एक कैपेसिटर की है एक टू टर्मिनल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जिहड़ा स्टोर करके रखता इलेक्ट्रिकल एनर्जी मीनस इलेक्ट्रिकल चार्ज नू, ठीक है, इन इलेक्ट्रिक फील्ड। द इफेक्ट ऑफ द कैपेसिटर इज नोन एज अ कैपेसिटेंस, ठीक है जी, जो इफेक्ट है कैपेसिटर का उसनू की बोलिया जाता कैपेसिटेंस, भी क्लीयर, ठीक है। एक कैपेसिटर एक डिवाइस है जो चार्ज नू स्टोर करके रखता। नॉर्मल कैपेसिटर नूं आपां सर्किट दे विच इस तरह लगाने हैं, ठीक है जी, और इस तरह भी लगा सकते हैं, और इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर नूं आपां इस तरह शो करते हैं सर्किट दे विच, और वेरिएबल नूं आपां विच एक एरो लगा के डिनोट करते हैं, ठीक है जी, इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता। कई बार एग्जाम दे विच इन्हां तों ही क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, इन्हां दी डायग्राम देख के ही पूछा जाएगा कि कौन सा कैपेसिटर है। नैक्सट है फॉर्मूला कैपेसिटर का, ठीक है जी, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन इंटू ए अपॉन डी, ठीक है जी, सी इत्थे रिप्रेजेंट करता है कैपेसिटेंस इन फ्राड्स, ठीक है, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की जो यूनिट है वो की है फ्राड्स, ठीक है जी, फ्राड्स, ठीक है जी, ऐसा यूनिट है वो है फ्राड्स, तो इतने सी रिप्रेजेंट करता है कैपेसिटेंस नू, ठीक है, जो एप्सिलॉन है वो किनू डिनोट करता है परमिटिविटी ऑफ डाइलैक्ट्रिक, एंड ए जो डिनोट करता है एरिया ऑफ प्लेट ओवरलैप इन द स्क्वायर मीटर, एंड डी डिनोट करता है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इन मीटर्स, इनू आप पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हैं, वोल्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है, कई जगह पर तुहानू इसका फॉर्मूला इस तरह भी मिलेगा, ठीक है। सो ए भी एक कैपेसिटर का ही फॉर्मूला है कि जिन्ना इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस हो है जिन्ना आप उसनू पोटेंशियल दिता है, ओके। हाँ जी, अगर क्लास अच्छी लगी हो लाइक शेयर जरूर करो, ठीक है जी, अगर चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया तो चैनल नूं सबसक्राइब करो ताकि थानूं हर क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके। हाँ जी, इस तरह कैपेसिटर दे उपर इस दे यूनिट्स दे विच लिखा हुंदा है, ठीक है जी। हाँ जी, थैंक यू, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इनू लाइक शेयर जरूर करो।